स्थानीय बोली में इसको पुटू बोलते हैं, और ये एक तरह का जंगली मशरूम है जो खासकर साल के जंगल में होता है। तो आज हम इसकी सब्जी बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको मज़ेदार ढंग से बना के खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट। तो सबसे पहले जब ख़रीद के लाते हैं तो इसमें मिट्टी होती है, इसको पानी में डुबा के रखना है और थोड़ी देर बाद मिट्टी साफ़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको और अच्छे से साफ़ करते हैं। और साफ़ करने का तरीका देखिए, ऐसे इसको चम्मच से साफ़ करते हैं, एक एक पुटू को हाथ में लेके और अच्छी तरह से चम्मच से हम इसकी सफाई करेंगे। इस तरह से ये साफ़ हो जाएगा। चम्मच से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको फिर से हम दो बार धो लिए हैं पानी में, और अब इसको काटेंगे। तो दो दो टुकड़े में काटेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम इतना बढ़िया पुटू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं कि आप बना के देखेंगे आसानी से, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी अपने घर पर बना के आप भी खा पाएंगे। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किरकिराहट रह जाती है मिट्टी की। चूँकि ये जंगल में प्राकृतिक रूप से होता है पेड़ के नीचे। अब इसमें देखिए दो तरह का पुटू है, एक काला एक सफ़ेद। काले वाले को गोहिया पुटू बोलते हैं और सफ़ेद वाले को छेरकेनी पुटू बोलते हैं। दोनों के स्वाद में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आगे की पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे कि कैसे हम घर पर पुटू की सब्ज़ी स्वादिष्ट बना सकते हैं। पूरी तरह से हमने पुटू को काट लिया है, और आधा किलो पुटू हम ख़रीदे हैं। शुरू बरसात में ही पुटू आया है, तो अभी 400 रुपये किलो है। कुछ दिन बाद इसमें गिरावट आएगी इसके कीमत में, तो देखते रहिए। अब बात इसमें पड़ने वाले मसाले की करते हैं। तो हमने लिया है जीरा, बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी और पोस्ता दाना, और ये प्याज जो कटा हुआ है ये पीसने के लिए, लाल मिर्च, लहसुन, दो टुकड़ा अदरक का और दो टमाटर। और ये प्याज हम फोरन में डालेंगे, और ये चार टमाटर काट के रखे हैं ये सब्जी में डालेंगे। तो मसाला हमने पीस लिया है। अब सरसों तेल को हल्का गर्म करके कुटू को हम इसमें डालेंगे और हल्का फ्राई करके निकालेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हल्का फ्राई करके ही हम इसको निकाल लिए हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सरसों तेल और इसमें ऐड किए हैं, और इसमें हमने डाला है तेज पत्ता, जीरा, कटा हुआ प्याज, जो मसाला हमने पीसा था मिक्सी में उस मसाला को डाल के और भुनेंगे। इसमें हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, चार कटे हुए टमाटर, चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, तो टमाटर जल्दी गलेगा। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। क्या गजब खुशबू आ रही है भाई। हल्का हल्का पानी डाल के थोड़ी देर और भुनेंगे, इससे बढ़िया ग्रेवी मुलायम बनेगी। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला। खुशबू तो और अच्छी हो गई है। अब पानी डाल देंगे, थोड़ी देर उबलने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पुटू जो फ्राई करके हम रखे थे, और मसाला और पुटू को थोड़ी देर साथ में उबलने देंगे गाढ़ा होने तक, देखते हैं फिर। फाइनली अब पुटू की स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो गई है,
और पुटू न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि काफ़ी पौष्टिक भी है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ खनिज विटामिन्स भरपूर मात्रा में है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसको उगाते नहीं हैं जंगल में, ये इसी तरह से बरसात के मौसम में होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे, इस उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।